हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा उपाध्याय हैंडीक्राफ्ट। आज यहाँ पर मैं टू कलर्स में ग्राफ लेकर के आई हूँ। ये देखिए, छोटा छोटा ग्राफ का ये जो डिज़ाइन है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए, ये थ्री लाइन्स में बनेगा। ये जो नीचे वाला है, ये ब्लू और वाइट का यहाँ पर बनेगा, और उसके बाद ये टू सिलाई का गैप रहेगा, फिर यहाँ पर डॉट डॉट बनेगा, फिर टू सिलाई का या थ्री सिलाई का गैप रहेगा, फिर ये ग्राफ बनेगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयों का है और 5 फंदों का ये जो ग्राफ है, उसके बाद फिर इसको रिपीट करना है डॉट डॉट को, फिर उसके बाद ये जो है 3 लाइन का है और 3 फंदों का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ब्लू उल लिया है, 13 फंदा मैंने यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पर देखिए 1 सिलाई मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ को। तो इसके लिए यहाँ पर हम वाइट उल लेंगे। यहाँ पर मैं वाइट उल यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी, उसके बाद यहाँ पर ग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम 3 फंदा ब्लू से बुन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 फंदा ब्लू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 सिलाई बुनने के बाद इसे बुनना है। 1 सिलाई पहले ब्लू बुन लेना है, फिर 3 फंदा यहाँ पर ब्लू होगा, 1 फंदा वाइट होगा, फिर यहाँ पर 3 फंदा ब्लू होगा, 1 फंदा वाइट होगा, फिर यहाँ पर 3 फंदा ब्लू होगा, फिर यहाँ पर 1 फंदा वाइट होगा, और 1 फंदा यहाँ पर ब्लू बच गया। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 1 फंदा वाइट है, इसे हम 3 फंदा कर देंगे, और 3 फंदा जो ब्लू है उसे 1 फंदा करेंगे। देखिए 1 2 एंड 3, 3 फंदा यहाँ पर वाइट हो गया, 1 फंदा ब्लू होगा, फिर यहाँ पर 3 फंदा वाइट हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 फंदा ब्लू, बीच वाला जो ब्लू है उसे हम ब्लू रखेंगे, और बाकी दोनों साइड से ब्लू है जिसे एक एक फंदा वाइट कर देंगे। एक फंदा यहाँ पर ब्लू और एक फंदा वाइट, फिर 2 सिलाई वाइट से बुन लेंगे, आगे से और पीछे से। आगे से पूरा फंदा सीधा और पीछे से पूरा फंदा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये नेक्स्ट ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हम 2 फंदा वाइट से बुन लेंगे और एक फंदा ब्लू से बुनेंगे, फिर 2 फंदा वाइट से बुनेंगे, फिर एक फंदा ब्लू से बुन लेंगे, फिर 2 फंदा वाइट से बुनेंगे, एक फंदा ब्लू से बुनेंगे, फिर 2 फंदा वाइट से, एक फंदा ब्लू से, फिर एक फंदा यहाँ पर वाइट से, फिर 2 सिलाई वाइट से बुन लेंगे। यहाँ पर 2 सिलाई नहीं, 3 सिलाई बुनना पड़ेगा, पीछे से, आगे से और पीछे से। तो यहाँ पर 3 सिलाई पहले मैं आपको बुनकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाई ही हम बुनेंगे, जैसे आगे से और पीछे से, क्योंकि ब्लू उल जो है यहाँ पर है, पीछे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम पीछे से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो एक एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है साइड से, एक फंदा पहले बुन लेंगे, फिर 1 2 2 फंदा और ग्राफ का, 3 फंदा यहाँ पर बुन लेंगे, फिर यहाँ पर हम 1 फंदा ब्लू से बुनेंगे। फिर अभी देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 5 फंदा हम वाइट से बुनेंगे, फिर 1 फंदा यहाँ पर ब्लू होगा, फिर यहाँ पर 3 फंदा वाइट हो जाएगा। फिर अब आगे से देखिए, आगे से यहाँ पर 1 एंड 2 2 फंदा यहाँ पर वाइट होगा, फिर 1 फंदा ब्लू होगा, फिर ब्लू को वाइट कर देंगे, 1 फंदा वाइट हो गया, 1 फंदा ब्लू हो गया। अब ये जो 5 फंदा था वो अभी 3 फंदा हो जाएगा वाइट, यहाँ पर बीच में 3 फंदा वाइट हो गया, फिर 1 फंदा ब्लू, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ब्लू, फिर 2 फंदा यहाँ पर वाइट हो जाएगा। फिर अभी देखिए, अभी यहाँ पर ये 2 फंदा जो 1 फंदा हो जाएगा, 1 फंदा यहाँ पर हम वाइट करेंगे, 2 फंदा यहाँ पर ब्लू करेंगे, फिर 1 फंदा हम वाइट करेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 फंदा ब्लू करेंगे, 1 फंदा वाइट करेंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदा ब्लू करेंगे, फिर 1 फंदा वाइट करेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 फंदा ब्लू करेंगे, 1 फंदा वाइट करेंगे। आगे से पूरा वाइट से बुन लेंगे, फिर ऊपर वाला ग्राफ स्टार्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा मैंने वाइट से बुन लिया है आगे से। अब देखिए, जहाँ से ये बुनना था मैंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ खत्म हुआ था, फिर इसी को उल्टा करके स्टार्ट करें। जैसे यहाँ से पहले ग्राफ स्टार्ट होगा, 1 फंदा वाइट, 5 1 फंदा ब्लू, 5 फंदा वाइट, 1 फंदा ब्लू, 5 फंदा वाइट, ऐसे करके पूरे स्वेटर में बनेगा। फिर ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, ये थर्ड लाइन है जो कि अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन होगा।
तो जहां से देखिए वन फंदा व्हाइट है, टू फंदा ब्लू होगा, फिर वन फंदा व्हाइट होगा और फिर टू फंदा ब्लू होगा यहाँ पर, फिर वन फंदा व्हाइट होगा, टू फंदा ब्लू होगा, वन फंदा व्हाइट होगा, फिर यहाँ पर टू फंदा ब्लू होगा, वन फंदा व्हाइट होगा। अब आगे से यहाँ पर देखिए, आगे से यहाँ पर ये जो वन फंदा व्हाइट है इसे हम टू फंदा कर देंगे, एक फंदा ब्लू को हम व्हाइट करेंगे और फिर यहाँ पर एक फंदा ब्लू, एक फंदा व्हाइट, एक फंदा ब्लू और यहाँ पर अब ये थ्री फंदा व्हाइट हो जाएगा, एक फंदा जो व्हाइट है यहाँ पर हम थ्री फंदा कर देंगे, फिर एक फंदा ब्लू, एक फंदा व्हाइट, एक फंदा ब्लू और यहाँ पर अब ये टू फंदा व्हाइट हो जाएगा। अब पीछे से यहाँ पर ये जो टू फंदा व्हाइट है इसे हम थ्री फंदा व्हाइट करेंगे, देखिए टू फंदा ये व्हाइट और एक फंदा ब्लू को हम व्हाइट करेंगे, फिर यहाँ पर एक फंदा हम व्हाइट को ब्लू कर देंगे, फिर अभी ये थ्री फंदा बीच में जो व्हाइट है इसे हम फाइव फंदा व्हाइट करेंगे, थ्री फोर एंड फाइव, फाइव फंदा व्हाइट हो गया, वन फंदा ब्लू होगा, फिर यहाँ पर थ्री फंदा व्हाइट होगा, उसके बाद टू सिलाई और हम बुन लेंगे व्हाइट से, आगे से पूरा सीधा और पीछे से पूरा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टू सिलाई मैंने व्हाइट से बुन लिया, अब जो ये नीचे वाला डॉट डॉट है एक एक फंदा वाला इसे हम बुनेंगे, तो पहले यहाँ पर दो फंदा व्हाइट बुनना है, फिर वन फंदा ब्लू से बुनना है, फिर टू फंदा यहाँ पर व्हाइट होगा, वन फंदा ब्लू होगा, ऐसे करके पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है ये सिलाई, टू फंदा व्हाइट हो गया, वन फंदा ब्लू हुआ, फिर यहाँ पर वन फंदा व्हाइट हो जाए, फिर अब टू सिलाई और बुन लेंगे हम व्हाइट से, आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टू सिलाई मैंने बुन लिया, अब यहाँ पर पीछे से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, एक फंदा यहाँ पर हम व्हाइट रखेंगे, फिर एक फंदा ब्लू रखेंगे, फिर यहाँ पर अब फाइव फंदा व्हाइट होगा, टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव फंदा व्हाइट हो गया, वन फंदा यहाँ पर हम ब्लू रखेंगे, फिर यहाँ पर फाइव फंदा व्हाइट हो जाएगा, थ्री फोर एंड फाइव, उसके बाद आगे से देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर फंदा बचा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंदा से थ्री फंदा ब्लू करना है, एक फंदा व्हाइट रहेगा, एक फंदा ब्लू होगा, फिर एक फंदा व्हाइट, तो यहाँ पर एक फंदा ब्लू कर देंगे पहले, फिर हम यहाँ पर एक फंदा व्हाइट करेंगे, फिर एक फंदा ब्लू करेंगे, फिर एक फंदा व्हाइट और यहाँ पर थ्री फंदा ब्लू, फिर एक फंदा व्हाइट, फिर एक फंदा ब्लू, फिर एक फंदा व्हाइट और यहाँ पर थ्री फंदा ब्लू करेंगे, इसी तरीके से पूरे स्वेटर में कंटिन्यू करना है। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर देखिए एक फंदा ये ब्लू होगा, एक फंदा व्हाइट होगा, फिर थ्री फंदा, ये जो एक फंदा है इसे थ्री फंदा कर देंगे, फिर एक फंदा व्हाइट, एक फंदा ब्लू, एक फंदा व्हाइट, फिर यहाँ पर एक फंदा जो रहेगा थ्री फंदा कर देंगे, ऐसे करके पूरे स्वेटर में कंटिन्यू करेंगे। फिर अब हम फर्स्ट सिलाई की तरह यहाँ पर कर देंगे, जो ये थ्री फंदा ब्लू है एक फंदा ब्लू हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव फंदा वाइट हो गया, फिर यहाँ पर वन फंदा ब्लू होगा, फिर यहाँ पर फाइव फंदा वाइट होगा, फिर यहाँ पर हम टू सिलाई बुन लेंगे वाइट से। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको आगे से पहले बनाकर दिखाती हूँ, यहाँ पर ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ग्राफ रेडी हो गया है, अब क्या करना है, अब इसको कैसे बनाना है पूरे स्वेटर में। तो पहले डॉट ये हो गया, यहाँ पर जो ये ग्राफ है यहाँ से स्टार्टिंग है, फिर ये डॉट डॉट होगा, फिर ये ग्राफ होगा, फिर यहाँ पर डॉट डॉट होगा, फिर ये ग्राफ होगा, फिर डॉट डॉट और फिर ये ग्राफ, ऐसे इस ग्राफ के बाद फिर डॉट डॉट, फिर ये ग्राफ, ऐसे करके पूरे स्वेटर में इसको बनाना है आगे पीछे और बाजू पे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।